वेलकम बैक दोस्तों, आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो लेके। इस वीडियो में आपको ऐसे 3 स्मार्टफोन्स बताएंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए में या उससे कम में ही आपको देखने मिलेंगे। और ये सिर्फ 3 ही स्मार्टफोन हमने इंक्लूड किया है वीडियो में, तो वीडियो छोटा होगा, पूरा वीडियो आप देख लेना, फिर भी आपको पता चल जाएगा कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए अच्छा है कौन सा नहीं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना, तो अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो पे बिना कोई देरी के। तो नंबर 3 पे जो हमने स्मार्टफोन रखा है वो आता है इन्फिनिक्स के तरफ से, इन्फिनिक्स का नोट 35G। ये आपको 3 कलर्स में फ्लिपकार्ट पे देखने मिल जाएगा। और ये करंटली इसका प्राइस मैं बता दूं आपको 14,999 रुपीज में आपको अभी देखने मिल रहा है। आगे जाके बढ़ जाएगा या कम होगा मेरे को पता नहीं, कार्ड डिस्काउंट आप लगाओगे अभी तो आपको 12-13,000 रुपए में आपको देखने मिल जाएगा। और इसके स्पेसिफिकेशंस की डायरेक्ट मैं बात कर देता हूं, तो 8GB की रैम आपको इसमें देखने मिल जाएगी और आपको इसमें 256GB की स्टोरेज देखने मिल जाएगी, मतलब भर के आप स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और आपको एक 2TB तक के SD कार्ड, मतलब एक्सपेंड कर सकते हो, SD कार्ड लगा सकते हो तो 2TB तक वो सपोर्ट कर देगा। उसके बाद आपको डिस्प्ले की बात करूं तो 6.7 इंच का एक फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले आपको देखने मिलेगा, मतलब IPS पैनल ही आपको देखने मिलेगा, AMOLED नहीं है। तो थोड़ा है इसका 15,000 में अभी AMOLED भी मिल जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसका ड्रॉबैक है डिस्प्ले के मामले में, लेकिन डिस्प्ले की और आगे बात करूंगा। और इसके कैमरा की डायरेक्ट बात करूं तो कैमरा आपको 108 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने मिलेगा, मेन सेंसर की बात करो, और 2 मेगापिक्सल का और एक AI लेंस आपको देखने मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की बात करूं तो 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने मिल जाता है। बैटरी आपको 5000mAh की बैटरी आपको देखने मिलेगी, मतलब एक दिन तो ऑलमोस्ट चली जाएगा अगर आप ज्यादा हैवी टास्क नहीं कर रहे हो तो, नहीं तो 2 दिन भी मान के चल लो, 2 दिन तो चली जाएगा। और आपको प्रोसेसर इसमें देखने मिलेगा MediaTek की तरफ से, MediaTek का 6080 प्रोसेसर आपको देखने मिलेगा जो कि 5G प्रोसेसर है, तो इसमें 5G भी सपोर्ट हो जाएगा। 4G प्लस नहीं है इसमें, सिर्फ 4G LTE है, बाकी तो 4G प्लस है नहीं, कैरियर एग्रीगेशन नहीं है इसमें। 5G तो आप सपोर्ट कर देगा आराम से, 5G में कोई भी दिक्कत नहीं है, और 4G LTE ही आपको सपोर्ट मिलेगा, 4G प्लस नहीं है इसमें। डिस्प्ले तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यूट्यूब पे आप 1440p तक देख सकते हो, मतलब 2K तक आप देख सकते हो, उससे ज्यादा तो ये नहीं है। और आपको इसमें GPU की बात करो तो Mali G57, मतलब गेमिंग के लिए ठीक ठाक ही है, उतना भी नहीं है, आपको 40fps तो आराम से, मतलब अल्ट्रा तक आप आराम से खेल सकते हो BGMI में, कोई भी दिक्कत आपको होगा नहीं। और 120Hz का रिफ्रेश रेट आता है इसमें डिस्प्ले में, मतलब आपको गेमिंग के टाइम भी इतना लैग देखने नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको टच सैम्पलिंग रेट भी इसमें 240Hz है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो जिसको गेमिंग करना है या मल्टीमीडिया भी देखना है आप ये फोन ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस ड्रॉबैक है कि इसमें डिस्प्ले IPS है और इसकी निट्स आपको सिर्फ 580 निट्स की देखने मिलेगी, मतलब धूप में आप जाओगे तो हल्का ही आपको दिखेगा, ज्यादा नहीं दिखने वाला है, तो उस हिसाब से ही आप लेना। और साउंड की मैं बात करूं तो इसमें आपको डुअल स्पीकर्स देखने मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ये बजट में डुअल स्पीकर्स बहुत ही अच्छी बात रहती है, मल्टीमीडिया भी आप अच्छे से देख सकते हो, गेमिंग के टाइम स्टीरियो सेपरेशन भी अच्छे से हो जाता है। और इसमें आपको और तो कुछ देखने मिलता नहीं, बस एक हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है इसमें इन्फिनिक्स का, कुछ तो एक सिम स्लॉट आता है, मतलब उसमें 2 सिम लगा भी सकते हो और एक SD कार्ड भी लगा सकते हो, ऐसा ही आता है इसमें, तो बाकी तो कुछ है नहीं इसमें बताने लायक। तो और बॉक्स में क्या क्या आता है आपको सीधे बता देता हूँ। बॉक्स में आपको एक तो मेन फोन एडाप्टर देखने मिल जाएगा जो चार्जर के लिए होता है, और USB टाइप सी केबल आपको देखने मिल जाता है, और एक केस देखने मिल जाता है सिलिकॉन का ट्रांसपेरेंट, और सिम इजेक्टर पिन, क्विक स्टार्ट कार्ड, वारंटी कार्ड, और एक्स क्लब का कार्ड आता है, वो उनका कुछ कार्ड है मेरे को मालूम नहीं। और इन्फिनिक्स की बात कर लूँ तो अगर जिसको चाहिए ये फोन, जिनको नीड है तो ही लेना, बाकी ब्रांड कैसा है मैं बता देता हूँ, मेरे पास है ऑलरेडी इन्फिनिक्स का फोन, अपडेट्स के मामले में बिल्कुल बेकार है ये, अपडेट्स आपको देखने ही नहीं मिलेगा ऐसा है इसमें, बाकी फोन एकदम स्पेसिफिकेशन अच्छा है, मेरा फोन आराम से एकदम बढ़िया चल रहा है, मैं बोलूँ तो एकदम मस्त चल रहा है, गेमिंग भी अच्छी खासी हो जाती है। बस इसमें दिक्कत है कि एंड्रॉयड अपडेट्स आपको देखने मिलेगा, सिक्योरिटी पैच आपको 1-2 बार देखने मिलेंगे, एंड्रॉयड अपडेट शायद 1 साल का ही दिया है, मतलब 1 साल में ही एंड्रॉयड अपडेट 1 ही बार आएगा ऐसा कुछ तो है, आप वो कन्फर्म एक बार देख भी लेना, कोई और की वीडियो, मेरी वीडियो नहीं तो किसी और की भी देख लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड पे, जो हमने स्मार्टफोन रखा है वो आता है मोटरोला के तरफ से, मोटरोला का G54 5G, जो आपको अमेजोन पे भी देखने मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे भी, लेकिन मैं फ्लिपकार्ट का प्राइस बता दूं तो 13,999 में आपको अभी देखने मिलता है, आगे जाके बढ़ेगा या कम होगा मेरे को पता नहीं, बैंक ऑफर लगाओगे तो 11-12,000 रुपए में भी आपको ये स्मार्टफोन देखने मिल जाएगा। और इसमें आपको स्पेसिफिकेशन की बात कर दूं तो 8GB की रैम आपको देखने मिलती है, 128GB की स्टोरेज आपको देखने मिलेगी जो कि 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हो आप। और इसमें डिस्प्ले की बात करो तो डिस्प्ले आपको एक देखने मिल जाएगा 6.58 इंच का आपको
4K डिस्प्ले नहीं देखने मिलेगा, 2K डिस्प्ले देखने मिलेगा, सॉरी मेरे से गलती हो गई, इसीलिए तो आपको 2K डिस्प्ले ही देखने मिलेगा, फुल HD प्लस है मतलब, और IPS डिस्प्ले आपको देखने मिलेगा। और इसके और बात करूँ तो आपको हाइब्रिड डुअल सिम आपको देखने मिलेगा, हाइब्रिड सिम स्लॉट है इसमें, तो आपको अगर आप हाइब्रिड वाला ही चाहिए तो आप ये प्रीफर कर सकते हो। और इसमें आपको देखने मिल जाता है, आपको इसमें एक 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको देखने मिल जाएगा जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसमें आपको डुअल स्पीकर्स भी देखने मिल जाएंगे जो कि फिर से गेमिंग और मल्टीमीडिया के लिए बहुत ही अच्छा है। और आपको एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने मिल जाता है। और OS इसमें आपको अपडेट्स के बारे में बात कर दूं तो अपडेट्स ये देते रहते हैं रेगुलरली, इनके अपडेट्स होते हैं, इतना भी नहीं मतलब बीच बीच में आते रहते हैं, और एक साल या दो साल के कुछ एंड्रॉयड अपडेट भी आपको देखने मिल जाएगा। और कंफर्म मेरे को नहीं पता है, आप दूसरे वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो या तो आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो, स्टडी मटेरियल के अलावा भी आप बहुत कुछ सर्च कर सकते हो। और आपको कैमरा की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने मिलता है, OIS सपोर्ट के साथ आता है, लेकिन OIS इसमें सॉफ्टवेयर से है, मतलब उसका फिजिकल OIS नहीं है, सॉफ्टवेयर सा OIS है इसमें। और आपको फ्रंट कैमरा की बात करूं तो 16 मेगापिक्सल का आपको देखने मिलता है, और बैक कैमरा में सेकेंडरी कैमरा भी है 8 मेगापिक्सल का, और आप इसमें 1080p और 30fps पे आप वीडियो शूट कर सकते हो फ्रंट और बैक दोनों में से। और HDR का सपोर्ट है इसमें सेल्फी में कैमरा में भी, तो उसका कुछ ज़्यादा आपको फायदा होता नहीं है इसीलिए। और आपको 3.5mm की जैक आपको इन्फिनिक्स में भी देखने मिल जाएगी, मोटोरोला में भी देखने मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अभी के फोन्स जो आ रहे हैं उसमें तो सो ये होल गायब कर दिया, बाकी सब जगह का होल दे रहे हैं वो लोग, सिर्फ इधर का होल गायब कर रहे हैं वो लोग, इसीलिए थोड़ा ये है प्रॉब्लम। और टाइप सी आपको देखने मिल जाएगा, टाइप सी चार्जर, सब टाइप सी वाले, ये कोई भी अभी माइक्रो यूएसबी वाला आता नहीं है। और आपको फिंगरप्रिंट आपको देखने मिल जाएगा इसमें भी, और इन्फिनिक्स पहले वाले में भी देखने मिल जाएगा। 6000mAh की आपको बैटरी देखने मिल जाएगी जो कि नॉन रिमूवेबल है, वो मैं पहले बता देता हूँ, कोई फिर ऐसा ना सोच ले कि रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए नॉन रिमूवेबल है। और आपको इसमें देखने मिल जाएगा, और तो आपको डिस्प्ले की बात कर दी मैंने, यूट्यूब पे आप 2K तक देख सकते हो, 60Hz तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं देने वाला। और आपको इसके सर्विस सेंटर की बात कर दूं तो आपको मिल जाएगी इसके सर्विस सेंटर, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसको सेकंड नंबर पे इसीलिए रखा है क्योंकि इसका जो भी मैंने परफॉर्मेंस अब देखे वो इन्फिनिक्स से थोड़े अच्छे थे, और अपडेट्स के मामले में भी अच्छे, इसलिए सेकंड नंबर पे रखा था। तो बढ़ते हैं हमारे नंबर वन की तरफ। नंबर वन वाले स्मार्टफोन पे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो हमारे वीडियो को, अगर आपको पसंद आया हो तो ही करना, नहीं तो डिसलाइक कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। और कमेंट भी कर देना कि कौन से टॉपिक्स पे और मेरे को वीडियोस बनाने चाहिए। एक टॉपिक पे ऑलरेडी मैंने वीडियो चालू कर दिया है बनाना, जो कि आया था मेरे को पिछले वीडियो में ही, तो बनाना चालू कर दिया है, तो वेट कर लेना तब तक के लिए, तो सब्सक्राइब भी कर देना। 17 सब्सक्राइबर्स और चाहिए हम लोग को 200 होने के लिए, 200 हो जाएगा तो आपको और अच्छे कॉन्टेंट्स भी देखने मिल जाएंगे। तो बढ़ते हमारे नंबर वन की तरफ। तो नंबर वन पे जो हमने स्मार्टफोन रखा है वो आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी का नोट 12 जो कि आपको दो कलर्स में देखने मिल जाते हैं, और आपको फ्लिपकार्ट पे 13999 में ही अभी आपको देखने मिल रहा है, तो आपको परचेस करना तो आप कर सकते हो, बैंक ऑफर लगा के 11000 रुपए में भी आपको देखने मिल जाएगा। स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो आपको इसमें 6GB की रैम देखने मिलती है, 6GB सुनते हैं आप स्किप मत कर देना, 8GB रैम नहीं है चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, 6GB रैम है, 128GB की स्टोरेज है, और आपको इसमें 1TB तक आप एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब SD कार्ड लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले इसका मेन हाईलाइट है, इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने मिलती है, जो कि ये रेंज में बहुत ही अच्छी बात है रेडमी की तरफ से कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया इन लोगों ने, और 120 हर्ट्ज के साथ आता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें आपको निट्स की बात करूँ तो 1200 निट्स की इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस है, जो कंपनी का क्लेम है, मेरा क्लेम नहीं है, कंपनी का क्लेम है, अभी एक्चुअल कितना है वो आप बाकी के अनबॉक्सिंग वीडियोस जो भी होते हैं उसमें आप देख सकते हो। और कैमरा की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का आपको बैक कैमरा देखने मिलता है, सेकेंडरी कैमरा 8 और 2 मेगापिक्सल का आपको देखने मिलता है, और फ्रंट कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का देखने मिल जाएगा, और आपको 5000mAh की बैटरी देखने मिल जाएगी। और प्रोसेसर की बात करूं तो आपको स्नैपड्रैगन 685 प्रोसेसर ये फोन में आपको देखने मिलेगा, जो कि 4G प्रोसेसर है, आपको ये फोन 5G नहीं मिलेगा। और टॉप 3 स्मार्टफोन्स जो है वो मैं सब रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि टॉप 5 होता तो मैं 3 से मतलब टॉप 3 से पहले जो भी है 4 और 5 वो मैं रिकमेंड नहीं करता था, टॉप 3 है इसीलिए आपको सब रिकमेंड कर सकता हूँ, सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देखने मिल जाएगा। तो ऐसा मत समझना कि आपको सिर्फ बता दिया है, लिंक दिया नहीं है, मैंने लिंक भी दे दिया है, बेस्ट बाइंग लिंक से आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। और बात करूँ तो इसमें आपको देखने मिल जाता है, स्पीकर में बताऊँ तो आपको सिर्फ सिंगल स्पीकर आपको देखने मिलेगा, जैसा इसमें लिखा है वैसा बता रहा हूँ, बाकी डुअल स्पीकर हो तो आप चेक भी कर सकते हो।
और इसमें आपको डुअल हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, इसमें डुअल सिम तो लगा सकते हो, एमआई का ही है पर वो आ जाएगा, उसमें डुअल सिम लगा सकते हो या तो एक एसडी कार्ड ऐसा कुछ होता है उसमें भी आप देख सकते हो। और क्विक चार्जिंग भी सपोर्ट कर देता है। और चार्जिंग के बारे में बता दूं तो आपको सारे फोन्स में 33 वॉट का चार्जर आपको देखने मिल जाएगा जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं। तो ऐसा मत समझना कोई भी स्लो चार्जिंग वाला मैंने आपको बता दिया, सब फास्ट चार्जिंग वाले ही है। और सबके बॉक्स के अंदर आपको एक सिलिकॉन केस भी आपको देखने मिल जाता है और सबके साथ एक साल की वारंटी भी आपको देखने मिल जाती है। तो पूरा मैंने बताया नहीं था पहले, इसीलिए अभी बता दे रहा हूँ। और अब बात करूँ तो इसके मैं YouTube पे आप 1440p पे आप देख सकते हो, 2K डिस्प्ले ही है, 4K डिस्प्ले नहीं है, तो वो थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। 4K अगर चाहिए तो थोड़ा बजट आपको बढ़ाना पड़ेगा, बाकी 2K डिस्प्ले ही है। और इसमें आपको Android 13 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने मिल जाता है। और इसमें आपको MIUI का मतलब MIUI का ही एक OS देखने मिल जाएगा। Android अपडेट्स की बात करूँ तो आपको आराम से अच्छे खासे Android अपडेट्स MI है इसीलिए देखने मिल जाता है, ब्रांडेड मतलब वेल नोन ब्रांड है इसीलिए देखने मिल जाता है वो। बाकी मोटरोला इन्फिनिक्स है, जैसे इन्फिनिक्स मैं बता दूँ उसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स उतने खास तो है नहीं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी मेरा कोई पर्टिकुलर दुश्मनी नहीं है क्योंकि उनके फ़ोन में लेके घूम रहा हूँ अभी, मेरे को कोई दुश्मनी तो है नहीं उनसे, बस बता रहा हूँ जो मैं उनका यूज़र हूँ इसीलिए मेरे को मालूम है कि इसमें अपडेट्स नहीं आते। और बात करूँ इसमें तो आपको 5G तो देखने नहीं मिलेगा, पहले ही बता दिया मैंने आपको। और माइक्रो एसडी कार्ड आप लगा सकते हो, मैं मतलब वो हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है लेकिन दो सिम और एक एसडी कार्ड लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको देगा नहीं। और इसमें आपको फ्लैश भी देखने में, फ्लैश की बात तो मैं क्यों ही कर रहा हूँ पता नहीं, 120Hz जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इसमें आपको IR सेंसर भी एक्स्ट्रा देखने मिल जाता है जो कि बाकी दो फोन्स में नहीं है, मतलब आपको अगर घर पर TV स्वेटर बॉक्स या AC भी हो आप स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हो, वो आराम से आपको हो जाएगा। ब्लूटूथ नहीं है वो, IR सेंसर होता है उससे हो जाएगा, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं देने वाला। सारे हमने स्मार्टफोन्स के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए, अगर आपको पसंद आए आप परचेस कर सकते हो, नहीं तो नहीं करना तो मत करना, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये जो भी वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूं, मतलब जिसके भी वीडियोज है उनके सबको मैंने क्रेडिट भी दे दिया है, सबके नाम भी लिख दिए, तो कोई ऐसा मत समझना इसके वीडियो उठा के डाल दे रहा हूं, क्रेडिट्स भी दे दिए मैंने सबके चैनल, मतलब आप एक बार जाके उनके वीडियोज भी चेकआउट कर सकते हो, मैंने लिंक दे दिया होगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है जिसमें आपको अच्छे खासे मैंने बता दिए कि क्या करना है आपको टीवी के लिए और कि कौन सा टीवी लेना चाहिए, तो आप जाके परचेस कर सकते हो, नहीं परचेस करना तो आपकी मर्जी, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। तो यही था हमारा आज का वीडियो, तब मिलते हैं हम लोग एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।